वर्धा में नावघाट खेड़ी स्थित नर्मदा तट पर 5 फरवरी से प्रारंभ हो रहे मां नर्मदा जयंती महोत्सव के आयोजन को लेकर मां मेकर सेवा संस्था द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महोत्सव का समापन 12 फरवरी को नर्मदा जयंती के दिन होगा। इसी दिन मां नर्मदा के जन्म समय दोपहर में हजारों लीटर दूध से मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक होगा व महाआरती के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होगी। धार्मिक आयोजनों के लिए बड़वाह में विशाल मंच बनाया गया है। 5 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त में अखंड ज्योत प्रज्वलन के साथ महोत्सव की शुरुआत होगी। इस दौरान वेदपाठी ब्राह्मणों द्वारा मां नर्मदा का पूजन अर्चन एवं अन्य अनुष्ठान किए जाएंगे। पूरे सप्ताह दोपहर 10 से 2 बजे तक कन्या भोजन एवं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे नर्मदा पुराण का वाचन, प्रतिदिन सायंकाल 7 बजे 108 दीपकों के साथ महाआरती होगी। वह प्रख्यात गायक कलाकार सुंदर भजनों की प्रस्तुति देंगे। 10 फरवरी को बसंत उत्सव के दौरान भव्य आतिशबाजी की जाएगी। 12 फरवरी को नर्मदा जयंती के अवसर पर 351 लीटर दूध से नर्मदा जी का महाभिषेक होगा। वह दोपहर 12 बजे महाआरती की जाएगी। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होगी। पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन संपन्न होगा। भव्य कार्यक्रम में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। इस वर्ष की नर्मदा जयंती महोत्सव मां मेकल सेवा संस्था के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। तत्कालीन बेला में जोत उठ जाएगी। जोत उठने के बाद में सारे देवताओं का स्थापन पूजन वगैरह होकर नर्मदा पुराण का वाचन प्रारंभ होगा। सायंकालीन पुनः भगवती नर्मदा जी का सहस्त्रार्चन होगा। प्रतिदिन 8 दिन तक चलेगा। 8 दिन का उत्सव मां ने दिया है हमको। ये वैसे 7 दिन का होता था, पर अब इस साल 8 दिन का दिया है हमको। बसंत पंचमी के दिन बसंत उत्सव मनाया जाता है। भगवती को केसर गुलाल इत्यादि भक्तों के द्वारा की हुई विमान व्यवस्था से पुष्प वर्षा होगी 12 बजे मध्यान्ह में, और भगवती का जन्मोत्सव मनाकर भगवती को यहां से नगर भ्रमण कराया जाएगा, पालकी निकाली जाएगी। बड़वाह से निर्मल दुबे की रिपोर्ट।